हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टेक ऑटो के एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम रिव्यू कर रहे हैं N250 को। एंड ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था यार, मैं कर नहीं पाया इसका वीडियो, बट आज मेरे को टाइम मिला है कि मैं इसका वीडियो कर पाऊँ और आपको बता पाऊँ कि इस बाइक में क्या क्या आपको देखने के लिए मिल जाता है एंड ये बाइक क्यों बेनिफिशियल है आपके लेने के लिए। आप अगर मेरठ या मेरठ के नियर बाई सिटीज़ हैं तो आप विजेता बजाज से कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, वहाँ जा करके आप अपनी डील ले सकते हैं, इनके पास स्टॉक हमेशा अवेलेबल रहता है। एंड आप अगर बताएंगे टेक ऑटो के व्यूअर हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट देखने को भी मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, उससे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड इंस्टा पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। फ्रंट सेक्शन से बात करेंगे बाइक की, हेडलाइट मैं ऑन कर देता हूँ। तो आप देखिए फ्रंट में आपको कैटाइज देखने के लिए देख मिल जाती है एंड आपको जो हेडलैम्प है प्रोजेक्टर देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक जितने भी ओनर से मेरी बात हुई है, इसका जो हेडलाइट सेटअप है वो ब्रिलियंट दिया गया है, मतलब काफ़ी सही हेडलाइट सेटअप दिया गया है एंड जो LED प्रोजेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, डे एंड नाइट दो नाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। एंड सबसे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने के लिए मिल जाता है, विद सस्पेंशन पे आप देखें प्रॉपर रिफ्लेक्टर माउंट दिया गया है। डुअल चैनल ABS में बाइक आती है एंड आपका यहाँ पर फ्रंट में डिस्क साइज 260 mm देखने के लिए मिल जाता है। और जो ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स एक बार मैं टोटल बाइक के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश का तो आपका बेस कलर है इस बाइक का, देन रेड एंड वाइट में यहाँ पर ग्राफिक्स हैं, प्लस मैट फिनिश में भी आपको ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे ही ये पूरा पेट्रोल टैंक पर भी आपको सेम ग्राफिक्स देखने के लिए मिलते हैं, साइड में भी पेट्रोल टैंक पे भी यही ग्राफिक्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल चैनल ABS की बैजिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है एंड आपका जो फ्रंट व्हील है वो मैं दिखा देता हूँ, 17 inches का 100:80 के रेशियो में आपको देखने को मिल रहा है। फ्रंट में जो डिस्क है वो 300 mm का देखने के लिए मिलता है आपको एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजन कॉल भी देखने के लिए मिल जाता है, आपका ऑक्सीजन सेंसर वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया है। इसमें BS6 नॉर्म बाइक आती है एंड जो अलॉयज़ हैं, अलॉयज़ में एक बार आपको इधर से दिखा देता हूँ आप देखेंगे तो अलॉयज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं, ये भी ब्लैक फिनिश में ही है, ब्लैक कलर में ही है एंड अलॉयज़ पर आपको ये रेड और वाइट का इंसर्ट देखने के लिए मिल जाता है। ग्राफिक्स में काफ़ी सही लगेगा जब ये बाइक चलेगी उस टाइम पे। एंड नीचे आपको एक हॉर्न दिया गया है एंड आपका लेग गार्ड का भी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पेंट स्कीम की फिनिशिंग बहुत सही है इसकी बाइक की, तो पेंट स्कीम मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है इस बाइक का। एंड यहाँ पर आपको N250cc का इंजन आपको देखने के लिए मिल रहा है, DTSI इंजन, ट्विन स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी के साथ आता है, सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन आपको देखने के लिए मिल जाता है, 2 वाल्व इस इंजन में आपको देखने को मिलते हैं, ऑयल कूल्ड इंजन है एंड इसमें जो एक और मतलब जो आपको पावर मिलती है 24.5 PS की एंड 21.3 Nm का आपको इसमें टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है, तो काफ़ी सही पावरफुल बाइक आपको प्रोवाइड करी है। एंड इसमें आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा नीचे तक ये आपको ये प्रोवाइड करा गया है, इसका एरोडायनामिक शेप्स जो है ये एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं ये सस्पेंशन के। फुट पैक की अगर बात करूँ तो फुट पैक आप देखो ये काफ़ी सही है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल फुट पैक देखने के लिए मिल जाता है एंड आपका गियर ब्रेक लीवर भी काफ़ी सही प्रीमियम ब्रेक लीवर देखने को मिल रहा है एंड पीछे की साइड भी मेटल फिनिश में दिया गया, इसकी भी पेंट स्कीम अच्छी है। साइलेंसर इसका ये आपको मैट फिनिश में है एंड काफ़ी सही साउंड करती है बाइक, एक बार मैं स्टार्ट करके अभी दिखा दूँगा बाइक को, अभी कर देते हैं चलो स्टार्ट। मेरा फ़ोन रखा है कहीं गिर जाए नीचे, पहले मैं फ़ोन ले लूँ। तो ये इसका साउंड है बाइक का, काफ़ी अच्छा बेस आपको देखने के लिए मिल जाता है बाइक में एंड रियर पे भी आपको डिस्क है, डुअल चैनल ABS है, 230 mm की आपको डिस्क देखने के लिए मिल जाती है, 130/70 का टायर देखने के लिए मिल जाता है 17 inches का एंड MRF के टायर्स हैं, मोनो शॉक एब्जॉर्वर आपको यहाँ पर सस्पेंशन देखने को मिलता है, आगे टेलीस्कोपिक देखने को मिलता है, काफ़ी सही सस्पेंशन है। देन जो सीट है आपको यहाँ पर स्प्लिट सीट विद पल्सर की आपको बैजिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है एंड ये जो कुशनिंग है, कुशनिंग पल्सर ने अपनी सीट्स की काफ़ी ज़्यादा बेटर कर दी है अब तो, काफ़ी सही कुशनिंग वाली सीट्स आपको देखने को मिल जाती है। एंड ग्रैब हैंडल आपका स्प्लिट ग्रैब हैंडल, रियर का टेल लाइट सेटअप यहाँ पर चेंज हो रखा है N160 वाला ही देखने को मिलता है वैसे तो, बट हाँ पल्सर के हिसाब से चेंज हो रखा है। नीचे आपको कोई भी लाइट नहीं दी गई है, नहीं लाइट है इसमें, नीचे आपको नंबर प्लेट लाइट मिल जाती है
देन आपका रिफ्लेक्टर दिया गया है एंड आपके इंडिकेटर एलईडी, और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है मेरे को, तो फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है छोटे छोटे से। आपको पीछे की साइड टायर कवरिंग प्रोवाइड करी गई है एंड आपका साड़ी गार्ड वगैरह भी प्रोवाइड करा है, पर साड़ी गार्ड किस लिए वो मेरे समझ नहीं आया, यहाँ पर पता ही नहीं, कोई लेडीज़ शायद ही बैठे इस नेक बाइक पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ से सीट ओपनिंग के लिए भी स्पेस दिया गया, यहाँ से आप अपनी सीट ओपन कर सकते हैं। ओपन चेन सेटअप के साथ में आती है। एक चीज़ मेरे को कमी लगी है कि यार 250 सीसी की बाइक है, ट्रांसमिशन आपको 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है। अगर ये 6 स्पीड गियर होता तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता इस बाइक में। डुअल स्पार्क प्लग है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता इसे चलाने में, और यहाँ पर सिंगल मतलब 5 स्पीड गियर्स ही आपको प्रोवाइड करे गए हैं। सिटिंग कैसी है वो मैं आपको एक बार बैठ के दिखा देता हूँ। पेट्रोल टैंक काफ़ी वाइड पेट्रोल टैंक है, 14 लीटर्स का पेट्रोल टैंक दिया गया है, तो काफ़ी वाइड पेट्रोल टैंक मिल जाता है। अगर बात करूँ तो ये देखो थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपको बाइक ना जकड़ सा लेती है, आपके लेग्स में कोई स्पेस नहीं, कोई थकान नहीं होने की। एंड ये भी आपका थोड़ा सा बैकवर्ड जाता है जिससे आपको नेक बाइक की पूरा फील आएगा। जब आप चलाते हैं तो आप थोड़ा सा टिल्ट होते हैं इसकी साइड, देखें ऐसे थोड़ा सा टिल्ट होंगे आप इसकी साइड टूवर्ड्स बाइक, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बैक के लिए। बैक का पोजीशनिंग बहुत अच्छी आ जाती है। और जो इसमें ये हैंडल बार दिया गया है, ये कुछ नए डिज़ाइन का हैंडल बार है, तो काफ़ी सही लग रहा है ये मेरे को। बट जो इसका ये ना टूवर्ड्स हमारी साइड आता है, यहाँ से थोड़ा सा हमारी साइड आता है कर्व होके, तो वो काफ़ी सही चीज़ है। एंड जो वाइब्रेशन वगैरह है वो तो जब चलाऊँगा तब बताता हूँ। बाकी इसमें आप देख सकते हो USB चार्जिंग स्लॉट मिल जाता है आपका, यहाँ पर मीटर पूरा रिफ्रेश कर दिया गया, नया मीटर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर देखें RPM मीटर, राइट साइड पर हमारा स्पीडोमीटर एंड बाकी सारी चीज़ें भी, टाइमर, डिस्टेंस टू MT, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वार्निंग लाइट्स वगैरह सब देखने के लिए मिल जाती है आपको इसी मीटर में। बाकी जो स्विच गियर सेटअप है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको हाई बीम स्विच दिया गया है, यहाँ आपका हाई बीम लो बीम स्विच, यहाँ सॉरी पास स्विच है, ये इंडिकेटर स्विच है। एंड नीचे आपका हॉर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। राइट साइड पे आपका इंजन किल स्विच, हेडलाइट स्विच एंड नीचे आपको सेल्फ दिया गया है। तो हेडलाइट इसकी हम ऐसे भी ऑन कर सकते हैं, मतलब क्योंकि इसमें एक सेपरेट हेडलाइट स्विच दिया गया है तो वैसे भी ऑन हो जाएगी। बाकी आप देखिए इसके मिरर काफ़ी ज़्यादा वाइड मिरर्स दिए गए हैं, काफ़ी सही हैं वाइड मिरर्स, सही रहते हैं ये भी। एंड 14 लीटर्स का पेट्रोल टैंक है, माइलेज जो कंपनी क्लेम कर रही है वो अराउंड 45 का क्लेम कर रही है, बट ऑन रोड ये कितना माइलेज देती है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको इस बाइक से कितना माइलेज देखने के लिए मिल रहा है। बाकी जो सिटिंग है, सिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है मेरे को इस बाइक की, पोजिशनिंग बहुत सही रखी गई है। एंड बाकी जो फिट फिनिश है, फील है, टच फील है, वो बहुत प्रीमियम है इस बाइक का। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, चलिए थैंक यू।